भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उनकी ईडी, उनकी सीबीआई एक्साइज पॉलिसी की जांच कर रही है। दो साल में सैकड़ों अफसर लगा दिए, हजारों रेड कर दी, लेकिन एक रुपया भी इस केस में आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से नहीं मिला। फिर भी एक झूठा षड्यंत्र रचकर, एक फर्जी केस को बनाकर आम आदमी पार्टी के एक एक करके सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और जब फिर भी आम आदमी पार्टी को नहीं रोक पाए तो अरविंद केजरीवाल जी तक को गिरफ्तार कर लिया गया। जब से अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के समन आने शुरू हुए, तब से पहले दिन से आम आदमी पार्टी ने खुलकर कहा कि ये अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है, कि उनको किसी जांच के लिए नहीं बुलाया जा रहा, उनको गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जा रहा है। तब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सभी मीडिया चैनल के साथी हमसे पूछा करते थे कि जी ये तो एक समन है, आप कैसे कह सकते हैं कि गिरफ्तार हो जाएंगे, आपके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो जाएंगे। जब अरविंद केजरीवाल जी को समन आने शुरू हुए तो आम आदमी पार्टी ने खुलकर कहा कि ये ईडी के समन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के समन है। फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे आकर कहते थे कि नहीं जी, ईडी तो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, हमारा तो इस जांच से, इस समन से कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो आम आदमी पार्टी झूठ बोलती रहती है। लेकिन आज अमित शाह जी के एक इंटरव्यू ने भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश कर दिया। अमित शाह जी ने खुद कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार, उनकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का पहले दिन से इरादा था कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला जाए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे साथी से कि वो अमित शाह जी का क्लिप प्ले करें, जो पूरे देश के सामने इस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर देगा। अमित जी, एक सवाल और, इस चुनाव के पहले दो सीएम जो है अरेस्ट हुए हैं, केजरीवाल जी अरेस्ट हुए, वो तो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन जी भी अंदर हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से टाइमिंग ऑफ अरेस्ट पर क्वेश्चन उठाया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए ईडी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्सप्लेन करेगी जी, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि 19 समन के बाद हाजिर नहीं हुए, पहले समन में अगर आए होते तो चुनाव के 6 महीना पहले अरेस्ट हो जाते। इस वीडियो को देखकर साफ पता चल जाता है, इस इंटरव्यू को देखकर साफ पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके राजनीतिक हथियार ईडी का इरादा ही था अरविंद केजरीवाल जी को समन के बहाने से बुलाना और अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना। आज अमित शाह जी का ये बयान ये साफ कर देता है कि ये पूरा एक्साइज पॉलिसी का मैटर और जो उसकी जांच दो साल से चल रही है, एक सोची समझी साजिश है, एक सोचा समझा षड्यंत्र है, आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए। तो आज अमित शाह जी ने साबित कर दिया है, अमित शाह जी के बयान ने देश के सामने इस बात को स्पष्ट कर दिया है जो आम आदमी पार्टी पहले दिन से कह रही थी, कि ये समन्स अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए थे, ये जो पूरा जांच है ये सिर्फ एक षड्यंत्र है, और आज
पूरे देश को भी ये पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है, अरविंद केजरीवाल जी के हमले से डर लगता है, अरविंद केजरीवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन को एक्सपोज करते हैं उससे डर लगता है, इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र रच के उनको जेल में डाल दिया। थैंक यू मैम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी नेटवर्क इंटरव्यू दिया है, उसको जो आप आरोप लगाते हैं कि 400 आगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, चुनाव ही नहीं होंगे, सब पर उन्होंने जवाब दिया, कहा कि अगर ऐसा करना होता 360 एनडीए के बीपी हैं और सहयोग मिला 400 हो जाएंगे, तो तमाम जो आपके दावे हैं आरोप हैं उनको कौन बताया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात का जवाब दें कि क्यों भारतीय जनता पार्टी से जो सारे जुड़े हुए संगठन हैं और जो सारे जुड़े हुए लोग हैं आरक्षण का विरोध करते हैं। मोदी जी मोहन भागवत जी के सालों से चलते आ रहे बयानों का जवाब दें कि वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। मोदी जी के फॉर्मर एडवाइजर विवेक देबरॉय जो सालों तक मोदी जी के साथ काम करते रहे लगातार बयान देते थे कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। मोदी जी ये बताएं क्यों चाहिए उनको 400 सीटें, क्यों वो सिर्फ 272 सीटों की बात नहीं कर रहे, क्यों 400 सीटें चाहिए? क्योंकि उनको संविधान को बदलना है, क्योंकि उन्हें आरक्षण को खत्म करना है। मोदी जी जवाब दे कि जो उनके कैंडिडेट्स हैं, चाहे अयोध्या से लड़ रहे एमपी कैंडिडेट, चाहे अरुण गोविल, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों से लड़ रहे उनके एमपी कैंडिडेट्स, क्यों कह रहे हैं कि 400 पार चाहिए? क्योंकि संविधान बदलना है। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश का संविधान बदलना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी इस देश में चुनाव खत्म करना चाहती है, और इसके ट्रेलर हम देख चुके हैं। हमने देखा है कि चंडीगढ़ में क्या हुआ, हमने देखा है कि किस तरह से दिल्ली में मेयर के चुनाव को ही खत्म कर दिया गया, हमने देखा है कि किस तरह से सूरत में, इंदौर में बिना चुनाव किए सामने वाले कैंडिडेट्स को डरा के, धमका के उनके नॉमिनेशंस विड्रॉ करवाए जा रहे हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस करके चुनाव के बाद सरकारें गिराती थी, अब भारतीय जनता पार्टी का ये नया स्वरूप है, नया षड्यंत्र है कि अब वो चुनाव होने ही नहीं देते, चुनाव होंगे ही नहीं तो सरकार गिराने की बात नहीं आएगी, बिना चुनाव के ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी एक महिला विरोधी पार्टी है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो प्रज्वल रेवन्ना जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़वाती है। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो प्रज्वल रेवन्ना जैसे दरिंदे के लिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी प्रचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके पास सारी सूचना थी प्रज्वल रेवन्ना की दरिंदगी की, उसके दुष्कर्मों की, फिर भी उसको टिकट देती है, उसके लिए प्रचार करती है। और दूसरी तरफ महिला आयोग जैसी संस्था जो परेशान महिलाओं के लिए, डेस्टिट्यूट महिलाओं के लिए, वायलेंस की विक्टिम महिलाओं के लिए काम करती है, उस DCW को, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन को बंद करने की कोशिश की जा रही है, ठप करने की कोशिश की जा रही है। जिन महिला आयोग की इंप्लॉइज को हटाया गया है उसमें से कई सारी खुद एसिड अटैक की विक्टिम्स हैं। आज देश में महिलाओं के साथ जो एसिड अटैक होता है उसके बाद वो महिलाएं अपने घर से बाहर निकलने में संकोचती हैं, उनके परिवार उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, वो काम नहीं कर पाती हैं। ये दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन और तब की उनकी अध्यक्षा स्वाति मालीवाल जी की पहल थी कि एसिड अटैक विक्टिम्स को, जो खुद दरिंदगी का शिकार रही हैं,
उनको मौका दिया जाए, उनको काम दिया जाए कि वो और महिलाओं के लिए काम कर सके। और ये बहुत शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी महिलाओं को नौकरी से हटाया है। राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, आप गठबंधन का हिस्सा हैं, और बीजेपी ये कह रही है कि पूरा जो विपक्ष है वो डरा हुआ है, इसलिए अपनी सीटें बदल बदल कर और ऐसी जगहों से चुनाव लड़ रहा है ताकि एस्केप रूट ढूंढ सके। देखिए, सबसे पहले कौन कहां से चुनाव लड़ता है, किस सीट से चुनाव लड़ता है, किस पार्टी, अलग अलग पार्टियों का अपना आंतरिक मामला है। लेकिन डर किसको लग रहा है, कौन किससे डरता है, ये अमित शाह जी के बयान से सामने आ गया है। अमित शाह जी ने जब बयान दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी को पहले समन के समय ही गिरफ्तार करने का इरादा था, तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस से डर लगता है, और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो इस बार चुनाव हारने वाली है। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममूल पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।